तो खबरों में आगे बढ़ती इसी भी शुरू कर लेते हैं। बड़ी खबर का कानपुर से बड़ी खबर है। कानपुर हिंसा के बाद जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अलग अलग जिलों में प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज को लेकर सावधानी बरती जा रही है। पुलिस लगातार ड्रोन से भी निगरानी रख रही है। आपको बता दें कि आसमान से निगरानी रखी जा रही है और किसी भी तरह की कोई चूक ना हो जाए इसको लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। तो जुम्मे की नमाज को लेकर आज प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आज जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी और उससे पहले जो है जिस तरीके से कानपुर हिंसा हुई थी और जुम्मे की नमाज के दरमियान ही कानपुर हिंसा का घटना जो था वो देखने को मिला था। और ऐसे में इस बार जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए, पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई कोर कसर ना रह जाए इसको लेकर जो है आसमान से भी निगरानी रखी जाएगी, यानी कि ड्रोन की भी यहाँ पर मदद ली जा रही है। ड्रोन से पूरी निगरानी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि तकरीबन 12 से 1 बजे के आसपास जुम्मे की नमाज होगी और इस दरमियान जो है प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और लगातार जनता से भी अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखने की जो अपील है लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। तो जुम्मे की नमाज को लेकर सावधानी बरती जा रही है। आपको बता दें कि नमाज को लेकर प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है क्योंकि जिस तरीके से कानपुर हिंसा देखने को मिली थी और वो भी जुम्मे की नमाज के बाद जो है जिस तरीके से हिंसा जो थी वो घटी थी उसके बाद से जो लगातार प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। तो ये बड़ी खबर और आज जुम्मे की नमाज में किसी भी तरह की कोई हरकत ना हो जाए इसको लेकर पुलिस जाब्ता को तैनात किया गया है। चौपे चौपे पर निगरानी रखी जा रही है और इसी के साथ ड्रोन कैमरे से भी जो है निगरानी पूरी रखी जा रही है। तो जुम्मे की नमाज को लेकर तमाम सावधानियां जो है वो बढ़ती जा रही है। लगातार ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पुलिस लगातार ड्रोन से भी निगरानी रखेगी और इसी के साथ मस्जिद के बाहर भी जो है पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो सहयोगी शिवराज जुड़ चुके हैं। शिवराज, जिस तरीके से हमने देखा था कानपुर हिंसा में पिछली बार जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरीके से हिंसा हुआ था और इस बार जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, किस तरह की तमाम तैयारियां शिवराज? ये देखिए, जिस प्रकार 3 जून को जुम्मे की जो नमाज थी उसके बाद जो हिंसा भड़की थी कानपुर में, उसके बाद आपको बता दूं आज फिर एक दूसरा जुम्मा है और उम्मीद जताई जा रही थी कि ऐसा ना हो दोबारा उसी प्रकार की कोई हिंसा देखने को मिले, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। सारे धर्म गुरुओं से बैठ के मीटिंग की है, साथ ही साथ जो SPO है लोकल थाने स्तर पर उनसे बैठ के बैठक की गई है, साथ ही साथ ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। कई बटालियन PAC ITBP के जवान आ रहे हैं, जवान और लोकल पुलिस LIU के साथ साथ कई खुफिया तंत्र भी लगाए गए हैं कि किसी प्रकार से अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश भी करता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। कानपुर DM कमिश्नर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे घटनाक्रम की और जो संवेदनशील इलाके जहां पे हिंसा हुई थी उन क्षेत्रों में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बिल्कुल शिवराज, लगातार जनता से भी अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें। जी, पुलिस की बात की जाए तो लगातार गश्त कर रहे हैं और जो शीर्ष अधिकारी हैं वो आम जनता से, धर्म गुरुओं से, सभी से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं, किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दें कि जिसका जिससे शहर का आम और चैन है वो सुकून है वो खोए। बिल्कुल शिवराज, इसी के साथ अगर बात करें जिस तरीके से जुम्मे की नमाज यानी कि तकरीबन जो है 12-1 बजे की जुम्मे की नमाज होती है, क्या मस्जिदों के बाहर भी इस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, आज जुम्मे की नमाज 2 बजे होगी और 2 बजे के बाद जो लोग छूटते हैं नमाजी तो उनके विशेष ध्यान होता है कि जो एक काफी संख्या में भीड़ एकत्रित होती है नमाज के लिए और वहां से जब भीड़ निकलती है उस वक्त किसी प्रकार की कोई हिंसा ना फैले या कोई आपत्ति तब तो किसी प्रकार की अराजकता न करने पाए, उसको देखते हुए मस्जिद के आसपास भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं उनके ड्रोन के माध्यम से छतों पर निगरानी की जा रही, कहीं गुम्मे पत्थर तो नहीं, कहीं किसी प्रकार का ऐसी चीज वस्तु तो नहीं जिससे कि शांति व्यवस्था भंग की जा सके। ठीक शिवराज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जुम्मे की नमाज को लेकर जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर है, किसी भी तरह की कोई कोर कसर ना रह जाए इसको लेकर प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते, कानपुर में हिंसा के बाद अलग अलग जिलों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन सख्त है। जगह जगह पर पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घट जाए, चाहे बात बिजनौर की जाए या फिर उन्नाव की। हर जगह पर जो है पुलिस बल को तैनात किया गया है, मुजफ्फरनगर हो या फिरोजाबाद हो, हर चौक चौराहों पर पुलिस नजर रखी हुई है।
अधिकारी धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर सभी से शांति बनाए रखने की भी लगातार अपील कर रहे हैं। तो तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, बिजनौर, उन्नाव और मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हैं, जहां पे जुम्मे की नमाज को लेकर जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि तकरीबन 1 से 2 बजे के करीब जो है जुम्मे की नमाज अदा की जाती है, और इस दरमियान जो है किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घट जाए इसको लेकर प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की गई है। आपको बता दें कि मस्जिद के बाहर भी इसी तरह की तमाम व्यवस्थाएं हैं, और बिजनौर, उन्नाव, मुजफ्फरनगर, कानपुर, ये तमाम वो जगह है जहां पर घटना हो सकती है, इसको लेकर जो है प्रशासन अभी से ही अलर्ट मोड पर है। शासन के निर्देश के अनुसार पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के और DGP महोदय के निर्देश हैं, उसमें जितने भी हमारी पिकेट हैं संवेदनशील इलाके में जो परमानेंट पिकेट हैं, उन सब जगह हमारे कर्मचारियों को मोटिवेट करना, लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना, और जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनके मन में यह महसूस हो कि कानून का राज है, जो भी गलत करने का प्रयास करेंगे उस पर सख्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से अलीगढ़ के इस पुराने शहर में पिकेटों का निरीक्षण किया जा रहा है, जहां हमारे PSC के जो हमारे साथी हैं जो ड्यूटी देते हैं उनको मोटिवेट किया जा रहा है, और उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे एंटी राइट इक्विपमेंट्स हैं, उन सब की कैसी स्थिति है और सब उनकी तैयारी दुरुस्त है या नहीं है उसको देखा जा रहा है, और लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। अलीगढ़ एक गंगा जमुनी तहजीब का शहर रहा है, और किसी प्रकार की यहाँ के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय दिया है, तो अन्य जगह पर जो लोग भड़काऊ कोई बात कह रहे हैं उनके प्रभाव में यहाँ के लोग नहीं आए। यहाँ के लोगों से भी हम लोग अपील कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि बिना किसी के लोगों के प्रभाव में आए हुए यहाँ के लोग गंगा जमुनी तहजीब की अपनी परंपरा के हिसाब से भाईचारा बनाए रखेंगे। देखिए, ये जनपद स्तर पे जो हमारी मॉक ड्रिल होती है, राइट ड्रिल होती है, एंटी राइट ड्रिल होती है, उसका रिहर्सल करा जा रहा है। सभी थाना क्षेत्रों में जितना भी फोर्स है वो दंगा नियंत्रण उपकरण पहन के जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चौराहे हैं, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं, सभी जगहों पर ड्यूटियों को चेक किया जा रहा है, वहाँ पर रिहर्सल किया जा रहा है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, और जनपद में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है और चीज़ें इसी तरह से बनी रहे लगातार, उसी के मद्देनज़र ये तैयारी करी जा रही है। और कल भी हमारा जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो इसी प्रकार रहेगा, और सभी अधिकारी फील्ड में हैं, मौजूद हैं, और सभी जगह पर सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और संपूर्ण फोर्स का डिप्लॉयमेंट, PRV की गाड़ियाँ, रिजर्व पार्टीज, QRT, सभी टीम्स जो हैं वो फील्ड में रहे, उसको आज रिहर्स करा जा रहा है ताकि कल इस प्रकार से हम लोग उनका डिप्लॉयमेंट कर सकें, ताकि कल भी कानून व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज़ अदा हो सके। आगामी मंथ में आने वाले त्यौहार तथा कल जुमा की नमाज के संबंध में थाना पुलिस द्वारा लगातार फूड पेट्रोलिंग की जा रही, आज नियमित रूप से फूड पेट्रोलिंग की गई, और बिजनौर शहर के जितने भी संवेदन और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ ड्रोन द्वारा भी निगरानी की गई, जिससे कि अराजक तत्वों में सख्त माहौल, सख्त कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया गया तथा जितने भी संभ्रांत लोग हैं उनके प्रति एक सकारात्मक सुरक्षा का माहौल पैदा हो सका। जो ड्रोन उड़ाया गया है, अभी संवेदनशील जगह ड्रोन उड़ा के इसको देखा जा रहा है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को पुनः रिचेक किया जाएगा, अगर कोई असंगत वस्तु मिलती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।